हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 8.4 में से सम नंबर 5 के फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स पार्ट को। तो यहाँ पर फोर्थ पार्ट में हमें प्रूफ करना है 1 प्लस सीकेंट ए डिवाइड बाय सीकेंट ए, ये इक्वल होना चाहिए साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाय 1 माइनस कोस ए के। तो सबसे पहले अब हम यहाँ पर इसके लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करेंगे, और लेफ्ट हैंड साइड में जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया गया है सीकेंट ए, हमें पता है कि सीकेंट कोस का रेसिप्रोकल होता है, इसलिए हम यहाँ पर सीकेंट की जगह पर लिख सकते हैं 1 डिवाइड बाय कोस ए। देन इन दोनों को कंबाइन करने के लिए हम यहाँ पर 1 के डिवाइड में लेट करेंगे 1 को, उसके बाद इन दोनों का जो एलसीएम है वो आ जाएगा कोस ए, तब कोस ए की कोस ए के साथ मल्टीप्लाई तो कोस ए, एंड 1 की 1 के साथ मल्टीप्लाई तो 1। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसका भी डिनोमिनेटर है कोस ए और इसका भी डिनोमिनेटर है कोस ए, तो यहाँ कोस ए से कोस ए डिवाइड हो जाएगा, और उसके बाद कोस ए प्लस 1 के डिवाइड में सिर्फ बचेगा 1, क्योंकि कोस ए से कोस ए डिवाइड हो गया। तो 1 को हम किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में लिखें या ना लिखें, इससे उसकी वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं आता, तो इसलिए अब हम यहाँ पर सिर्फ लिखेंगे कोस ए प्लस 1। तो इस तरह से जब हमने लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व किया है, तो लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करने के बाद हमारे पास आया है कोस ए प्लस 1। बट आप देख सकते हो कि ये कोस ए प्लस 1 इस राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है, यानी कि हमने लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व किया बट उसको सोल्व करने से हमारे पास राइट हैंड साइड नहीं आई है। दैट मीन्स अब हमें यहाँ पर इसकी राइट हैंड साइड को भी अलग से सोल्व करना होगा, उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड के सॉल्यूशन को एंड राइट हैंड साइड के सॉल्यूशन को एक दूसरे के इक्वल दिखाना होगा। तो जब हमने लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व किया, उसके अंदर जो स्टेटमेंट हमारे पास आई है उसमें केवल एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है कोस ए, तो इसका मतलब ये होगा कि अब जो हमारे पास राइट हैंड साइड है उसमें साइन को भी हम कोस के टर्म में कन्वर्ट कर देंगे। इसके लिए हम यूज़ करेंगे आइडेंटिटी का, जैसे कि आप सभी को पता है कि फर्स्ट आइडेंटिटी है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, और यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो इसलिए इस साइन स्क्वायर ए की जगह पर हम 1 माइनस कोस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। उसके बाद इस 1 को हम लिख देंगे 1 का स्क्वायर, क्योंकि 1 की हम चाहे कितनी भी पावर लिखें इससे उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता, तो हम 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ये 1 को 1 का स्क्वायर इसलिए लिखा गया ताकि हम यहाँ पर आइडेंटिटी यूज़ कर सकें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये इक्वल होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के। तो इसलिए अब हम यहाँ पर 1 स्क्वायर माइनस कोस ए स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 प्लस कोस ए इंटू 1 माइनस कोस ए, और यहाँ पर डिनोमिनेटर में पहले से ही 1 माइनस कोस ए है, तो 1 माइनस कोस ए से 1 माइनस कोस ए डिवाइड हो जाएगा, और अब हमारे पास सिर्फ बचेगा 1 प्लस कोस ए। तो इस तरह से जब हमने लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व किया तो हमारे पास आया था कोस ए प्लस 1, और अब जब हमने राइट हैंड साइड को सोल्व किया है तो हमारे पास आया है 1 प्लस कोस ए। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि ये टर्म्स सेम हैं बट केवल इनके ऑर्डर में डिफरेंस है। तो अगर आप 2 प्लस 3 को ऐड करते हो तो भी आपको सम 5 मिलेगा, और अगर आप 3 प्लस 2 को ऐड करते हो तो भी आपको सम 5 ही मिलेगा। इसका मतलब है कि कोस ए प्लस 1 एंड 1 प्लस कोस ए ये दोनों ही एक दूसरे के इक्वल हैं, यानी कि जब हमने लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व किया और जब हमने राइट हैंड साइड को सोल्व किया तो उन दोनों साइड्स को सोल्व करने से हमें सेम ही आंसर मिले हैं। दैट्स वाई अब हम ये कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसके बाद इसी सम का फिफ्थ पार्ट, तो यहाँ पर फिफ्थ पार्ट में हमें प्रूफ करना है कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 डिवाइड बाय कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1, ये इक्वल होना चाहिए कोसिकेंट ए प्लस कोट ए के। तो आप देख सकते हो कि लेफ्ट हैंड साइड में जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमें दिए गए हैं वो है कोस ए एंड साइन ए, और राइट हैंड साइड में जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दिए गए हैं वो है कोसिकेंट ए एंड कोट ए, यानी कि कोस एंड साइन के अंदर जो टर्म्स हमें दी गई हैं हमें उनको कन्वर्ट करना है कोसिकेंट एंड कोट की फॉर्म में, और इसके लिए हमें स्टेटमेंट में एक आइडेंटिटी भी दी गई है कि हमें यहाँ पर आइडेंटिटी यूज़ करनी है कोसिकेंट स्क्वायर ए इज़ इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर ए।
आपको याद होगा कि जो आपको तीन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ बताई गई थी उसमें से थर्ड आइडेंटिटी थी कि कोसिकेंट स्क्वेयर ए माइनस कोट स्क्वेयर ए इज इक्वल टू वन। तो यहाँ पर इसी माइनस कोट स्क्वेयर ए को जब राइट हैंड साइड में हम लेकर जाएंगे तो ये प्लस में चला जाएगा और इस तरह से ये फॉर्मूला यानी कि ये एक आइडेंटिटी हमारे पास आ जाएगी कोसिकेंट स्क्वेयर ए इक्वल्स टू वन प्लस कोट स्क्वेयर ए, जिसका हमें यूज़ करना है इसको प्रूफ करने के लिए। तो अब जैसे कि आप देख सकते हो कि हमें यहाँ पर कोस एंड साइन को कन्वर्ट करना है कोसिकेंट एंड कोट की फॉर्म में, और हमें ये भी पता है कि कोसिकेंट इक्वल होता है वन बाय साइन के, कोसिकेंट ए इज इक्वल टू वन बाय साइन ए एंड कोट ए इज इक्वल टू कोस ए डिवाइड बाय साइन ए। यानी कि यहाँ पर इसके भी डिनोमिनेटर में साइन है और इसके भी डिनोमिनेटर में साइन है, तो इसका मतलब ये है कि अगर हमें लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में कन्वर्ट करना है यानी कि कोसिकेंट एंड कोट की फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो हमें इस लेफ्ट हैंड साइड के न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर उन दोनों को साइन ए से डिवाइड करना होगा। तो हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करेंगे और हमने यहाँ पर लिख दिया है कि डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए। तो लेफ्ट हैंड साइड में न्यूमरेटर में जो टर्म्स दी गई थी उन सभी को हम साइन से डिवाइड करेंगे, तो कोस ए को भी साइन से डिवाइड किया गया, साइन को भी साइन से डिवाइड किया गया और इसी तरह से इस वन को भी साइन से डिवाइड किया गया, और यही प्रोसेस हमें रिपीट करनी है इसके डिनोमिनेटर में भी, यानी कि हमें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को ही साइन ए से डिवाइड करना है। तो अब जब हम यहाँ पर इसके डिनोमिनेटर के अंदर जो टर्म्स लिखी गई हैं तो कोस ए को भी साइन ए से डिवाइड किया गया, साइन ए को भी साइन ए से डिवाइड किया गया और वन को भी साइन ए से डिवाइड किया गया है। अब जब हम इसको सोल्व करेंगे तो कोस ए डिवाइड बाय साइन ए इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं कोट ए, वन डिवाइड बाय साइन ए इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं कोसिकेंट ए, और यहाँ पर साइन से साइन डिवाइड हो जाएगा तो इनकी जगह पर हम लिखेंगे वन को। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि लेफ्ट हैंड साइड में जो कोस एंड साइन लिखे हुए थे हमने उनको कोट एंड कोसिकेंट के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। अब इस स्टेप में कुछ चेंजेस करके हमें इसको इसके इक्वल लेकर आना है, इसके इक्वल बनाना है यानी कि कोसिकेंट ए प्लस कोट ए। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर एक आइडेंटिटी भी हमें दी गई थी जिसका हमें इस सम में यूज़ करना है, बट इस आइडेंटिटी को यूज़ करने से पहले हम यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे कोट ए को, उसके बाद हम लिखेंगे कोसिकेंट ए को और सबसे बाद में हम लिखेंगे इस माइनस वन को, और सेम यही चेंजेस करने हैं हमें इसके डिनोमिनेटर में भी कि सबसे पहले कोट ए, उसके बाद माइनस का कोसिकेंट ए एंड देन ये प्लस का वन। और अब यहाँ पर ये जो माइनस का वन लिखा हुआ है आप देख सकते हो इस माइनस वन की जगह पर हम उस आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर जो आइडेंटिटी हमें यूज़ करनी है वो है कोसिकेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू वन प्लस कोट स्क्वायर ए। तो अगर इस वन को हम लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आएं तो ये वन इधर माइनस में आ जाएगा और राइट हैंड साइड में है कोट स्क्वायर ए, और उसी के पास हम इस कोसिकेंट स्क्वायर ए को भी लेकर जाएंगे और कोसिकेंट स्क्वायर ए उधर जाकर हो जाएगा माइनस में, यानी कि उस माइनस वन की जगह पर हम लिख सकते हैं कोट स्क्वायर ए माइनस कोसिकेंट स्क्वायर ए। सो बाय यूजिंग माइनस वन इज इक्वल टू कोट स्क्वायर ए माइनस कोसिकेंट स्क्वायर ए, तो हम यहाँ पर इस माइनस वन की जगह पर इसको इस तरह से लिख देंगे आप देख सकते हो, और इससे अलग बाकी के जो टर्म्स हैं उनमें हमने कोई चेंजेस नहीं किया, बाकी सभी टर्म्स एज इट इज़ वहाँ पर लिखी हुई हैं। इसके बाद कोट ए प्लस कोसिकेंट इन दोनों टर्म्स को हम लिख देंगे एक ब्रैकेट के अंदर, और इसको ओपन करने के लिए हम यूज़ करेंगे आइडेंटिटी का ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, और ये इक्वल होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पर हम इसको एक बार लिखेंगे प्लस में कि कोट ए प्लस कोसिकेंट ए, और एक बार हम इसको लिखेंगे माइनस में
कोट ए माइनस कोसिकेंट ए, जैसे कि उस आइडेंटिटी में ए और बी के बीच में एक बार प्लस का साइन होता है और एक बार माइनस का साइन होता है, इसी तरह से यहाँ पर भी कोट एंड कोसिकेंट के बीच में एक बार प्लस है और एक बार इन दोनों के बीच में माइनस है। तो अब यहाँ पर एक हमारे पास ये टर्म है जिसके अंदर लिखा गया है कोट ए प्लस कोसिकेंट ए, और एक हमारे पास ये टर्म है जिसके अंदर दो ब्रैकेट्स हैं, एक प्लस वाला और एक माइनस वाला। तो इन दोनों में से हम कोट ए प्लस कोसिकेंट ए को कॉमन ले सकते हैं। तो जब इस कोट ए प्लस कोसिकेंट ए को हम कॉमन लेकर बाहर लिखेंगे तो हमारे पास इस फर्स्ट टर्म के अंदर बचेगा सिर्फ वन, क्योंकि आप देख सकते हो कि फर्स्ट टर्म में सिर्फ कोट ए प्लस कोसिकेंट ए ही है और इसी को हमने यहाँ पर बाहर कॉमन ले लिया है, तो इसलिए यहाँ पर बचेगा हमारे पास वन। और सेकंड टर्म के अंदर यानी कि जहाँ पर एक प्लस वाला ब्रैकेट था और एक माइनस वाला ब्रैकेट भी है, तो वहाँ से हमने कोट ए प्लस कोसिकेंट ए को तो कॉमन ले लिया है, तो इस तरह से वहाँ पर सिर्फ बचेगा कोट ए माइनस कोसिकेंट ए। और इसके बाद अगर अब आप इन टर्म्स के साथ कंपेयर करके देखते हो तो आप देख सकोगे कि ये सभी के सभी टर्म्स एक दूसरे के इक्वल हैं। जैसे कि यहाँ पर ये वन लिखा हुआ है तो डिनोमिनेटर में भी वन है, यहाँ पर ये कोट ए है तो यहाँ डिनोमिनेटर में भी वो कोट ए लिखा हुआ है, इसी तरह से यहाँ पर माइनस कोसिकेंट ए है तो यहाँ पर भी माइनस का कोसिकेंट ए लिखा हुआ है। यानी कि इन टर्म्स का केवल ऑर्डर डिफरेंट है बट ये सभी टर्म्स एक दूसरे के इक्वल हैं, तो इसलिए इन सभी टर्म्स से हम इन सभी टर्म्स को कैंसिल आउट कर सकते हैं और हमारे पास केवल बचेगा कोट ए प्लस कोसिकेंट ए, और यही इस सम की राइट हैंड साइड है जो हमने यहाँ पर प्रूफ कर दी है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व किया और ये हमें राइट हैंड साइड यहाँ पर मिल गई है। इसके बाद इसी सम का सिक्स पार्ट, तो सिक्स पार्ट की स्टेटमेंट है स्क्वायर रूट ऑफ वन प्लस साइन ए डिवाइड बाय वन माइनस साइन ए, और इसको हमें प्रूफ करना है सीकेंट ए प्लस टेन ए के इक्वल। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि लेफ्ट हैंड साइड में स्क्वायर रूट है बट राइट हैंड साइड में स्क्वायर रूट नहीं है, तो इस स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए, इसको यहाँ से एलिमिनेट करने के लिए, जैसे कि आप देख सकते हो कि ये स्क्वायर रूट न्यूमरेटर के ऊपर भी है और डिनोमिनेटर के ऊपर भी है, तो जब भी किसी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में कोई इरेशनल नंबर आ जाए यानी कि कोई रूट वाला नंबर आ जाए इस तरह से, जैसे कि 1/√2, तो उस नंबर को रैशनल बनाने के लिए यानी कि उसका रूट ख़त्म करने के लिए हम वहाँ पर रैशनलाइजेशन का यूज़ करते हैं, जिसके अकॉर्डिंग डिनोमिनेटर में जो टर्म्स लिखी गई होती हैं हम उन टर्म्स का साइन चेंज करके, उनके बीच में जो साइन है प्लस का या माइनस का जो भी साइन है हम उसको चेंज करके उसके बाद उसी से हम वहाँ पर न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करते हैं और डिनोमिनेटर को भी। तो आप देख सकते हो कि इसके डिनोमिनेटर में है 1 माइनस साइन ए, तो उस माइनस को चेंज करके हम कन्वर्ट कर देंगे प्लस में, और इस तरह से जो 1 प्लस साइन ए आएगा उस 1 प्लस साइन ए से हम न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करेंगे। इसके बाद जब हम यहाँ पर 1 प्लस साइन ए को 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और इसके डिनोमिनेटर में जब हम 1 माइनस साइन ए को 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके लिए हमें आइडेंटिटी यूज़ करनी होगी कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, जो कि इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, यानी कि यहाँ पर हम इसको लिखेंगे एक बार 1 का स्क्वायर फिर बीच में माइनस एंड देन साइन ए का स्क्वायर। तो 1 का जो स्क्वायर है वो केवल 1 के ही इक्वल होगा, और साइन ए के स्क्वायर को हम साइन स्क्वायर ए भी लिख सकते हैं। अब इसके बाद डिनोमिनेटर में जो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं कोस स्क्वायर ए, जैसे कि आपको पता है कि हमारे पास आइडेंटिटी है कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से अगर हम कोस स्क्वायर ए की वैल्यू को फाइंड करते हैं तो ये वैल्यू हमारे पास आती है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो इसीलिए हमने इस 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह पर इसको लिख दिया है कोस स्क्वायर ए। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि न्यूमरेटर का भी स्क्वायर है और डिनोमिनेटर का भी स्क्वायर है, तो इन दोनों स्क्वायर से ये रूट कैंसल आउट हो जाएगा और इस तरह से हमारे पास सिर्फ बचेगा 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाय कोस ए, और इस कोस ए को हम एक बार लिखेंगे 1 के डिवाइड में
और इसको एक बार हम लिखेंगे साइन के डिवाइड में। तो इसके बाद 1 डिवाइड बाय कोस ए, ये हो जाएगा सीकेंट ए, एंड साइन ए डिवाइड बाय कोस ए, ये इक्वल हो जाएगा टेन ए के, और यही इसकी राइट हैंड साइड है। तो यानी कि यहाँ पर भी हमने लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व किया है और उसको राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ कर दिया है। तो ये थे सम नंबर 5 के 4th, 5th, and 6th पार्ट। अब इसी सम के बाकी पार्ट्स हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इन सभी सम की अच्छे से प्रैक्टिस करना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।